नमस्ते मैडम जी। नाम ठीक चल रहा है? ठीक है जी। आठ क्विंटल ले रहे हैं प्रति एकड़। सात क्विंटल तो आठ का था पहले, घटा दिया जी, घटा दिया जी। दो रुपया तो जी 2200 का आया हूँ मैडम जी। भाव अंतर भी रख गए 300 दे दिया, दे दिया जी। जानियो तो 15 लाख की दिया। मेरे समझ नहीं आती जब ये एमएसपी के ऊपर विधानसभा में ये बात करते हैं, एक एक दाना एमएसपी पे उठाया था, एमएसपी पे होगी। अब एमएसपी पे तो ले नहीं रहा, झूठा नंबर एक दोबारा बहुत झूठा। चलो एक मैडम एक अपनी फट बनी नरा घोटाला है जी फड़े में। आप ऐसे करो यहाँ से आप लोग लिखत में ना मेरे को पूरा हो गया। एक बनाना पड़ेगा नहीं तो ये तो बिल्कुल ही बात पड़ी जाती है। मैडम खोजिए लीजिए 17 तारीख के अंदर उससे ग्राउंड में तो मोदी को ताज बुलाया था और उससे तो काट दिया, कह दिया थोड़ा खोजिया जो बोले आपके बार इस शहर में 2013 में रैली हुई थी, 1 लाख आदमी थोड़े भरी होते मैडम, 1 लाख आदमी जब जा रहे थे वहाँ पर क्लियर कह दी थी मोदी ने, बोला कि अब के बार नहीं बोला उठा जानता है। गांधी प्रधानमंत्री होंगे, राजस्थान आ रहेगी महाराष्ट्र की दोनों जगह आते ही इनके मुद्दे में सीन पड़ जाएंगे। चल जो मोदी टीवी पाओ ना दिन आना बंद कर दिया उसके अंदर किसी ने भाई बंदी कर दी। अरे झूठ, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, किसानों की आय दोगुनी करूंगा 2022 में। तो भाई सारे लखपति करोड़पति बनने चाहिए थे अभी। ये अग्निवीर वाला जो है कहा था कि नहीं कहा था 2022 तक जो है 22 तक 1 साल ऊपर नौकरी करके अग्निवीर की किसी को कर दिया था नाम से काम किया करेंगे खाली हो जाएगी बारिश के बाद अरे उल्टा ये गलत जगह पर बहुत अच्छी क्वालिटी है, सब खाना बहुत बढ़िया। आप लोगों को
कार्रवाई करी जाए। पहले बनी थी महीने बाद जो है किसान की जो है वो बजाती है मंडियों में। विधानसभा में जो बात कही जाती है कि एक एक दाना उठाया जाएगा, एमएसपी पे उठाया जाएगा, 72 घंटे के अंदर उठाया जाएगा, ये देखने आई थी कि जो सरकार के इतने मोटे चौड़े जो वायदे हैं जो विधानसभा में बोले जाते हैं जब हम पूछते हैं प्रश्न, वो सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यहाँ धरातल पे आके देखो तो बात ही दूसरी नज़र आती है। अब इस बार ही इतना बढ़िया ये बाजरा हुआ है, मेरे ख्याल में इतना वो कहते हैं ना बिल्कुल ही गोल्डन कलर का है, मैंने तो चखे भी देखा, बहुत ही मीठा। और ये बता रहे थे अभी हमारे जो है ये जो हमारे प्रधान साहब कि जो है 25 सैंपल लेकर गए सारे फेल हो गए और वो सैंपल भी सारे फेल हो गए। ये कमाल की बात है। इसका मतलब तो ये है ना, सरकार की नीयत ये है कि पैसे ना देने पड़े, किसान का नाश करो जिस तरह से भी करना है, वो है सीधी सादी कहानी। अभी ये फर्द 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 की बात कर रहे थे ये कि अब यहाँ फर्द जो है सारी अभी फड़। हाँ मैडम जी, भाव को लेकर अभी चल रहा है, आ रहे तो 2250 है लेकिन नाम 2500 का लिया गया था। यही तो बात है, ये मंत्री जी से विधानसभा में इस बारी मैंने कहा था कि भाई एमएसपी के ऊपर खरीद नहीं हो रही, तो कहता है एक एक दाना खरीद हो रही है। अब जो है सामने है सबके जो 2500 का जो है इसका रेट है, एमएसपी का मिल रहा है 2200 और वो भी पहले तो अब जो है एक एकड़ के अंदर औसतन मेरे ख्याल में 10 या 11 क्या कहते हैं क्विंटल जो है बाजरा पैदा होता है, ऐसे ही है ना। तो वो जो है उसको काट के कम करके 8-7 क्विंटल कर, अरे भैया मरने वाला तो 8 क्विंटल करा ये जो, अरे भाई सुन ले, 8 क्विंटल करा था जो इनका वो निकली थी जो इसमें फरमान निकला था। हाँ जी। अब वो 8 क्विंटल काट के वो भी 7 कर दिया, वो और एक और न्यारा कर दिया एक कम, तो मतलब ये है 7 क्विंटल अगर वो दे रहा है और वो भी एमएसपी पे नहीं मिल रहा, तो आप समझ सकते हो कि किसान तो बेचारा औने पौने दामों के अंदर अपना बेचता है। हर साल यही हाल होते हैं, किसान विरोधी सरकार है पूरी तरह से हर तरीके से। यहाँ पे ये जो है नाम के लिए जो है यहाँ पे वो बना दिया था प्लेटफॉर्म, 6 महीने के अंदर अंदर डाल गया। अब इसका कौन जिम्मेवारी लेगा, जिसने बनाई है उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार? हमारी सरकार होती और जहाँ ये बनाई होती उसको अभी तक मैं टांग के छोड़ दिया होता मैंने, सच्चाई है ये। 85 दुकानें थी उनके आगे बनाई थी, 6 महीने पहले बनाई थी लेकिन वो उसकी हालत खराब हो गई है। इसके बारे में रहा है सामने में जो आ रही थी, कोई चिंता ना करो, आने वाले टाइम में ये मंडी को आबाद करेंगे और यहाँ पे सब्जी मंडी का भी जो है विस्तार करेंगे ताकि सब्जी मंडी भी यहाँ पे हो तो लोग बैठे रहें और ये मंडी इतनी सुथरी। सब्जी मंडी की घोषणा तो 1 साल पहले जेपी दलाल जी भी करके गए थे यहाँ पे। भाई तुम जिसका नाम ले रहे हो उससे बड़ा झूठा कोई कोई ये तुमने देख लिया, मैं तो यहाँ नहीं, मैं तो विधानसभा में भी ये बात बार बार बोल चुकी हूँ। तो के बात किसका नाम लो, नाम उसका लो जिसका थोड़ा बहुत वजन हो, जिसका जो है ये आदमी जानता हो कि सच्चाई के रास्ते पे हो, जिसका सारी दुनिया जानती है, सारे ये हरियाणा जाना है कि है कि मंडी पिछले 10 दिन से चल रही है लेकिन खरीद अब तक शुरू नहीं हुई है। ये सरकार की अव्यवस्था है, हर साल ये होता है, हर 6 महीने होता है जी। हर 6 महीने कहते हैं कि हम ये काम फटाफट होएगा, 72 घंटे में पेमेंट होगी, फला होगी, दिखड़ा होगी। अब यहाँ पे जब आके देखो तो जो है उत्थान जो है वो इतना आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, तो जब उत्थान आहिस्ता होगा तो फिर पेमेंट भी आहिस्ता आएगी। तो मकसद ये है कि जितना कम से कम पैसा दिया जाए, समझ रहे हो जी जी। इसके पीछे नियत ये है। इलेक्शन मोड में आया हुआ देश सारा, जल्द लोकसभा के चुनाव हैं, अभी फिलहाल कुछ राज्यों के चुनाव भी हैं, आप वहाँ के राजस्थान में आप जो है ना गए थे, क्या लग रहा है आपको? सारी हिंदुस्तान को पता चल गया है कि वो कहते हैं ना सारे लारे लप्पे और जुमलेबाजी ये रही है सरकार की तकिया कला, और केंद्र में भी सबने देख लिया जो जो बातें हुई थी सारी की सारी सामने आ गई हैं, चाहे फौजी हों उनने बेड़ा पाट लिया, जो नौजवान बच्चे हैं बेरोजगार उनने बेड़ा पाट लिया, महिलाओं ने बेड़ा पाट लिया, कैसे उनके सिलेंडर जो हैं 1150 के करे फिर अब चुनाव के कारण 200 कम कर दिया। इसी तरह से जो है किसान ने देख लिया भाई 2022 तक दुगनी इनकी आय हो ली, सारी की सारी सारा किमें तो कर दिया, तो ये तो झूठ है, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। और अब लोग त्रस्त हैं, व्यापारी जो है वो न्यारा त्रस्त है, जो यहाँ पे आड़ती है बीच में उसको तो चोर ही बना दिया,
किसान को आतंकवादी बना दिया है ना, नौजवान को ये बना दिया कि ये पकौड़े तल लो नौकरियों की जगह। तो ये रह गया इस देश में। ये काम करा इन्होंने 10 साल में, पूंजीपतियों के मौज करवा दी सर, और किसान का जो कर्जा माफ़ करना था वो तो माफ़ करा नहीं, पूंजीपतियों के करोड़ों करोड़ अरबों रुपए जो है वो माफ़ कर दिए। मैडम जी, इस क्षेत्र में मुआवजे को लेकर हाहाकार मची हुई है, पिछले काफी दिन से मुआवजा नहीं आया। जो मैं ये बात उठाई थी 2020 का जो कपास का मुआवजा था वो अभी तक नहीं आया। अब जो है पीछे सारी ये सुंडी से हमारा बाजरा बर्बाद हो गया था, उसका नहीं आया है, और अब जो है ये कपास जो फिर से लगी है उसमें फिर सुंडी आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, गुलाबी सुंडी आ रही है उसके अंदर फिर आ गई। तो भाई ये तो बात यहाँ सोच के रखो, ये तो मस्त है खाली फैमिली आईडी में, समझ रहे हो ना, कि तुम्हारे को किस तरह से घुमाए जाएं, घुमाए जाएं, और तुम्हारा क्या कहते हैं शोषण किस तरह से करे जाएं, ये सरकार का काम। तो मेरे के किसानों के साथ 45,000 देखो, बात ये है ये फैमिली आईडी है ना, किसी का नहीं बेरा, किसका घर किसके नाम चढ़ा रखा है, किसका किसके चढ़ा दिया, और ये जो प्रॉपर्टी, ये तो प्रॉपर्टी आईडी में, फैमिली आईडी में यूं कर दिया कि भाई तेरे तो देखते हैं जेब में जो है ना, उसने किसान कह रहा था भाई कि रोज रात ने 1,00,000 मेरी आमदनी बढ़ जावे, और गोज में जब मैं हाथ डालूं तो टूटी हुई जो है वो फूटी हुई वो मिले बीड़ी, ये हाल कर रखा है अपने। तो ये तो सोते सोते तो 1,00,000 आमदनी बढ़ गई भाई अपने अपने। यहाँ पे एसआर के ग्रुप के नाम से एक जो ना ये चलाई जा रही है, इस बारे में क्या कहेंगे कांग्रेस के, कांग्रेस में एसआर के एक अलग से जो ना वो कूट। अरे भैया हम अपने काम पे लगे हुए हैं, अपने जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, अपने कार्यकर्ताओं का अधिकार नहीं मरने देंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे ठीक है। कार्यकर्ताओं के लिए कर रहे हैं मैडम जी, क्षेत्र में नामे कर दिया, कोई कहीं का बोल रहा है किसान, कोई कहीं का बोल रहा है किसान, दर दर की ठोकरे खा रहा है उसका, सारा सौदा सही तब होगा हमारी सरकार, ये पार्लियामेंट के अंदर उखाड़ के फेंको बाहर निकालो, सरकार हमारी बनेगी, और आते हैं भाई सारा दुरुस्त करेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।